उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती उपनिरीक्षक बोर्ड के द्वारा 62,000 आरक्षी पदों के सापेक्ष गतिमान प्रक्रिया के लिए परीक्षा का आयोजन 17 और 18 फरवरी को दो पालियों में होना सुनिश्चित हुआ था, जिसमें से 17 फरवरी की पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, जिसका रिव्यू आप लोगों के लिए भी प्रस्तुत किया जा चुका है। दूसरी पाली की परीक्षा लगभग संपन्न होने को है और इस समय हम लोग खड़े हैं बीबीएस इंटर कॉलेज शिवकुटी प्रयागराज की परीक्षा केंद्र पर और यहाँ पर लगभग परीक्षा संपन्न होने को है, अभ्यर्थी निकलने को। हम बात करेंगे एक एक अभ्यर्थी से और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रश्न पत्र कैसा रहा, क्या सुबह की मीटिंग के जैसे ही इस बार भी प्रश्न पत्र देखने को मिला था या उसमें थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिला था। कोशिश करेंगे कि अभ्यर्थियों से ही इस स्तर पर जाकर के बात किया जाए कि उनके जो परीक्षा के अनुभव रहे हैं, परीक्षा केंद्र बैठने का जो अनुभव रहा है, वो कल यानी कि 18 फरवरी को दोनों पालियों में जो परीक्षा संपादित होनी है उसमें अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाए। आइए बात करते हैं एक एक अभ्यर्थी से। क्या नाम है आपका? ऋचा मिश्रा। ऋचा मिश्रा जी, अभी आप परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रही, कैसा अनुभव रहा आपका प्रश्न पत्र का? जी बहुत अच्छा लगा पेपर देख के। पेपर अच्छा लगा? कोई बहुत आसान या मुश्किल हिस्सा जो आपको फेस करना पड़ा हो? नहीं, एक्चुअली पेपर सही था, हिंदी ज्यादा इजी आया था और बाकी मैथ वगैरह मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, बाकी पेपर देखा जाए तो पेपर सही बना, अगर जो पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। मतलब आपका ये कहना है कि कांस्टेबल की परीक्षा थी तो कांस्टेबल स्तर के ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जिन अभ्यर्थियों ने पूरी लगन के साथ तैयारी की होगी उनके लिए प्रश्न पत्र बहुत ही बेहतर प्रयोग। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत धन्यवाद ऋचा जी हमारे साथ हैं, तो बताएं आपका क्या अनुभव आज की परीक्षा का? सर पेपर बहुत ही अच्छा था, लेवल भी बहुत, मतलब मॉडरेट भी नहीं कर सकते, इजी टू मॉडरेट ही था पेपर। पेपर इजी टू मॉडरेट था? कोई ऐसा सेगमेंट जिसने आपको परेशान किया हो या आपको लगता है कि विद्यार्थियों को जिसने उलझाया हो, ऐसा कोई हिस्सा? जी नहीं सर, बस मान सकते थोड़ा एथिकल पोर्शन ज्यादा था इस बार। अच्छा, इस बार सुबह वाली परीक्षा की अपेक्षा या जो विगत वर्षों में परीक्षा हुई उसके आधार पर? सर पिछली बार के हिसाब से बोल सकते सुबह वाले। अच्छा, इसके पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए थे उसके आधार पर आपका कहना एथिकल हिस्से ज्यादा पूछे गए थे, तो आपने जो तैयारी की थी लगभग वैसे ही प्रश्न आपको देखने को मिले? बिल्कुल सर, प्रश्न वैसे ही आए, पेपर बहुत इजी था, कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि जो नहीं कर सकते। बहुत धन्यवाद भाई, आप टारगेट डायलॉग देख रहे थे, हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आज का पेपर कैसा रहा? मेरे अकॉर्डिंग पेपर ज्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल था, एवरेज था, मतलब कि ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं थे। रीजनिंग के तो बहुत ज्यादा इजी थे, हिंदी के भी बहुत इजी थे, जीके मेरा थोड़ा वीक है इसलिए मुझे थोड़ा हार्ड लगा, पर वो भी इजी था और मैथ्स भी बहुत इजी था। मतलब आपके कहने का मतलब अलग, हम अलग अलग सेगमेंट को भी देखें तो प्रश्न पत्र कोई बहुत मुश्किल नहीं था, जिन अभ्यर्थियों ने बेहतर प्रकार से तैयारी की रही होगी उनके लिए प्रश्न पत्र आसान था, अगर ओवरऑल देखिए तो मॉडरेट लेवल का हम प्रश्न पत्र कह सकते हैं। चलिए ये अच्छी बात है। कुछ प्रश्नों के विषय बताएंगे, जैसे हम करंट अफेयर को लेकर के बात करें तो कहां से प्रश्न थे? करंट अफेयर ज्यादा तो यूपी पुलिस का, तो जो मेनली क्वेश्चन यूपी का था, फर्स्ट सीएम कौन थे इंडिपेंडेंस के बाद, ये था क्वेश्चन। फिर से यूपी कौन कौन से बाउंड्री को टच कर रही है, किस बाउंड्री को लैंड से वो नहीं टच कर रही है, मतलब इनके कहने का आशय है कि उत्तर प्रदेश विशेष से क्वेश्चन थे क्योंकि परीक्षा भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित थी, तो वहां से विशेष प्रश्न भी पूछे गएंगे और जिसकी संभावना भी थी। इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि करंट अफेयर 2023 या 24 में कहां से ज्यादा क्वेश्चन थे? 23 से ज्यादा क्वेश्चन था करंट, बीते वर्ष 2023 से करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन थे। थोड़ा सा आप बताएंगे कि मैथ के प्रश्न और रीजनिंग के विषय में थोड़ा सा? मैथ्स में तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जैसे दिखाते हैं कि बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन था, वैसा तो कुछ आता नहीं है था, नहीं मतलब टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, रेशियो से क्वेश्चन था और परसेंटेज से क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन, मतलब हर टॉपिक से ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन था बस। हम ये कह सकते हैं कि जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था पूरे सिलेबस से ही प्रश्न आए थे, और अगर किसी ने प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को भी देखा होगा तो उससे भी उसको निश्चित रूप से लाभ मिला। बहुत अच्छा लगा खुशी जी हमारे साथ बात करके। बताओ भाई आपका क्या नाम है? मनीष पाल सर। कैसा अनुभव रहा, पेपर कैसा आया है? बढ़िया पेपर सर, अच्छा है। अगर अलग अलग सेगमेंट बात करें तो जीएस और जो करंट अफेयर के हिस्से होते हैं उसके विषय में थोड़ा सा बताया हमें। नॉर्मल है सर, नॉर्मल पेपर जी। और जो यूपी स्पेशल के विषय में बात की जाती है लगातार क्योंकि यूपी की परीक्षा है, तो इसके संदर्भ में बताएं थोड़ा। यूपी जो था एकदम नॉर्मल है सर, अंतर से ज्यादा पूछा नहीं है एकदम। मतलब आपका भी कहना है कि जो प्रश्न पत्र आया था वो नॉर्मल से आया था, ना बहुत ज्यादा मुश्किल था और ना बहुत। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे पास और भी अभ्यर्थी है, उनसे भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रश्न पत्र कैसा आया था। क्या नाम है भाई? मेरा नाम सर अभिषेक राय है। अभिषेक राय जी हमारे साथ है, ये थोड़ा सा आपका अपने अनुभव के विषय बताएंगे, कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत अच्छा था सर। हाँ। और इतना सरल क्वेश्चन मैं सोचकर भी नहीं आया था कि ऐसा पेपर मुझे मिलेगा। अच्छा, मतलब तो कोई ऐसा हिस्सा जिसने आपको उलझाया हो या उसके क्वेश्चन आड़े टेढ़े आए हो? थोड़ा सा ये रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे, सिर्फ एक या दो क्वेश्चन जिसमें मैं परेशान हुआ, बाकी सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे थे। अच्छा, ये जो उत्तर प्रदेश से संबंधित विशेष, उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जो विशेष प्रश्न आ रहे हैं उसको लेकर कुछ बताएं क्या अनुभव? उससे 5 क्वेश्चन आए, एकदम आसान आसान क्वेश्चन आए हैं जिसका कोई भी बच्चा कर सकता है। एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि पुलिस क्या कर सकती है, हमारे लिए पुलिस के लिए क्या है, और समझ लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुभकामनाएं।
बात करें, क्या नाम है आपका? सर प्रिया त्रिपाठी। बताएं कि परीक्षा का अनुभव कैसा रहा आज आपका? सर पेपर अच्छा था क्योंकि बहुत इजी पेपर आया था, जैसा पढ़े थे वैसा ही आया, उसके अकॉर्डिंग कुछ बाहर से तो आया नहीं तो उससे अच्छा आया पेपर। मतलब आपका ये कहना है कि जो भी हमने तैयारी की थी उसी के सापेक्ष पेपर आया, पेपर बढ़िया हुआ है, कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिसने अभ्यर्थियों को उलझाया हो या ऐसा कोई हिस्सा? और पता करंट अफेयर या जीएस को लेकर विद्यार्थियों में एक लोलुपता बनी रहती है कि कैसे प्रश्न होंगे, क्योंकि कल भी परीक्षा होनी, तो उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। सर नहीं, करंट अफेयर जो हमने पढ़े हैं मतलब 23 एंड 24 के अकॉर्डिंग ही आया है, बाहर से तो कुछ आया नहीं है, और उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ज्यादा आया है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की परीक्षा थी तो संभावना थी इस बात की कि उत्तर प्रदेश से प्रश्न ज्यादा आएंगे, उत्तर प्रदेश से प्रश्न आए भी है। इनका कहना है कि 2023 के अंतिम वर्ष और 2024 के शुरुआती दिनों के भी प्रश्न, मतलब पुलिस के बारे में, तो मैं यही बोलूंगी कि पुलिस के बारे में पढ़ लें, कौन सी योजना है, क्या कैसे करते थे, ये आप पढ़ लेंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद आपका। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रश्न भी वहां से आएंगे। अगर आपने अभी तक उन चीजों का अध्ययन नहीं किया तो कल जो परीक्षा होनी है उसके लिए आप पहले पुलिस वाले हिस्से की तैयारी कर लें, पुलिस सेवा कैसे की जाती है, तौर पर एक आरक्षी के तौर पर आपका दायित्व क्या होगा, कैसे आप उन दायित्व का निर्वहन करें, इन सभी में आपको एक बार अध्ययन करने की जरूरत है, इनका कहना है। आइए हमारे साथ एक और अभ्यर्थी हैं, इनसे बात करें। भाई क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। सूरज कुमार जी, परीक्षा केंद्र से आप बाहर निकल रहे हैं, कैसा अनुभव आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा, परीक्षा अच्छा गया है। प्रश्न पत्र के विषय में क्या कहेंगे? प्रश्न पत्र बहुत ठीक ठाक था, जो जैसा माहौल रहना जैसा रहना चाहिए, जिस टाइप से बोर्ड का बनता है वो उस टाइप से था, बहुत अच्छा था। जैसे अभ्यर्थियों में एक थोड़ी समस्या ये महसूस होती है कि भाई गणित या रीजनिंग को लेकर के, या कई बार जीएस के हिस्से को भी लेकर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कितना ब्रॉड है, क्या पढ़े, कैसे, थोड़ा सा बताएं कहां से प्रश्न थे? ऐसा कुछ नहीं था, प्रश्न जो था यूपी का जो बेसिक पहले से सिलेबस बना हुआ है, जो सिलेबस चल रहा है उसी के अनुसार पूछा गया सब्जी, पहले से जो फिक्स था उसी के अनुसार हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था उससे मैच करता हुआ प्रश्न आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। इनका भी कहना है कि जो विगत वर्षों के परीक्षा प्रश्न पत्र आ चुके हैं उसी के पैटर्न पर पाठ्यक्रम को फॉलो अप करते हुए क्वेश्चन इस बार भी पूछे गए थे। अगर आप बेहतर तैयारी कर रहे हैं और कल आपकी परीक्षा है तो एक बार आप पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही चीजें आपसे पूछी जा रही है, आपके लिए बेहतर संकेत है। और कहीं ना कहीं जो विगत वर्ष में परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके आधार पर भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यूपी से संबंधित परीक्षा है तो निश्चित रूप से यूपी के प्रश्नों का बोलबाला भी आपको देखने को, ऐसा अभ्यर्थियों का बताना है जो कि परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कल जिनकी परीक्षा, यानी कि जिनकी परीक्षा 18 फरवरी को प्रथम और द्वितीय पाली में है, उनकी परीक्षाएं बेहतर हो। अभी आप हमें देख रहे थे अग्रविद आलोक के प्लेटफॉर्म पे, कैमरामैन तनुज के साथ में डॉक्टर जितेंद्र पांडे प्रयागराज से।